लंपी वायरस गौ वंशों के लिए काल बन चुका है। राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक ये वायरस तेजी से फैल रहा है। बता दें कि लंपी वायरस या लंपी स्किन डिजीज कोई नई बीमारी नहीं है। तो क्या है लंपी वायरस? बता दें कि ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के मुताबिक लंपी स्किन डिजीज जिस वायरस के कारण होती है उसका नाम कैप्री पॉक्स वायरस है। ये बीमारी गायों और भैंसों को होती है। लंपी वायरस मवेशियों में मच्छर या खून चूसने वाले कीड़ों के जरिए फैलता है। लंपी वायरस के लक्षण की बात करें तो लंपी वायरस के संक्रमित होने के 2 से 3 दिन के भीतर हल्का बुखार आता है। इसके बाद पूरे शरीर पर दाने निकल जाते हैं और कुछ दाने घाव में भी बदल जाते हैं। मवेशी दूध देना कम कर देती है। अगर कोई गर्भवती गाय या भैंस संक्रमित हो गई है तो उसे मिसकैरेज होने का खतरा भी बन जाता है। 2019 में भी भारत में लंपी वायरस का प्रकोप देखने को मिला था, लेकिन इस साल ये तेजी से फैल रहा है। सबसे ज्यादा खराब हालत राजस्थान की है। राजस्थान के अलावा गुजरात, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और दिल्ली में भी कई मवेशी इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या इंसानों को भी खतरा है? ऐसा माना जाता है कि अगर कोई जानवर या किसी वायरस से संक्रमित है तो उससे ये संक्रमण इंसानों में भी फैल सकता है, लेकिन लंपी वायरस के मामले में ऐसा नहीं है। अब तक इंसानों के लंपी वायरस से संक्रमित होने की कोई खबर या कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। अब सवाल ये कि मवेशियों को कैसे बचाया जाए? अगर कोई गाय या भैंस में वायरस के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे तुरंत आइसोलेट कर देना चाहिए ताकि दूसरे मवेशियों तक संक्रमण ना फैले। अगर किसी गाय या भैंस के संक्रमण से मौत हो जाती है तो उसे जमीन में काफी गहराई तक दफनाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।